काश ये सपना सच हो जाए यार। सो हे गाइस, की हाल चाल, आई होप कि आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे। एंड ये मेरी नई स्टाइल है, सो इसको सीरियसली मत लेना कुछ भी। पीछे से मेरी मम्मी बोल रही है कि तू हमेशा नहाने से पहले ही वीडियो को स्टार्ट क्यों करता है। भाई अपनी अलग स्टाइल है, तो इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे। नहा के आपसे मिलते हैं। Five minutes later. Oh. इतना ठंडा, इतना ठंडा पानी भाई। आपको याद होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में, पिछले वीडियो में बताया था कि चीकू के लिए मैंने कुछ सब्जियां उगाई हैं। सो लेट्स सी, ये देखो छोटे छोटे करके जो पौधे हैं ना, पूरे यहाँ पे उग चुके हैं। इस तरफ तो ज़्यादा उगे नहीं, लेकिन इस तरफ उग चुके हैं पूरे यहाँ पे। भाई बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि यार देखो मेरे को ना हमेशा एक ही टेंशन रहती है कि चीकू को मैं ले तो आया, लेकिन उसके खाने के लिए ना ज़्यादातर हरी भरी चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बार क्या होता है ना कि यार इधर मार्केट में भी आपको कुछ मिलता नहीं है ढंग का, सब्जी उब्जी, तो वो सारी चीज़ें अब घर पे उग जाएंगी, सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। खैर ये सब छोड़ो, आपको धन्नो से मिलवाते हैं। आप में से ना कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि भाई आपकी धन्नो कहाँ पे है। सो देखो यार, अपनी धन्नो का ऑफिशियल नाम है सुजुकी, लेकिन यार अभी इसका एस जो है ना थोड़ा सा डिसमिस हो रखा है, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यार इसकी एज हो चुकी है ना थोड़ी सी बिचारी की। तो यार देखो धन्नो का जो माइलेज है ना, वो है मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर। तो भाइयों खुद देख लो कि धन्नो को चलाने के लिए ना कितने तेल की जरूरत होती होगी। एंड एक चीज जो धन्नो के इंजन की सबसे स्पेशलिटी है, खास बात है, वो ये है कि यार इसको अपने को कोल्ड स्टार्ट करना होता है। मतलब अगर आप इसको कहीं भी लेके जाओगे तो 10 से 15 मिनट इसको पहले ऑन करके छोड़ना पड़ता है, स्टार्ट करके सॉरी, देन इसका इंजन जो है ना प्रॉपर एकदम गर्म होता है, देन आप इसको एकदम मक्खन की तरह चलाने के लिए ले जा सकते हो। लेकिन अगर मैं खुद की पर्सनली बात बताऊँ ना, तो गाइस मेरे को राजस्थान की रेत के अंदर चलाने में इसको बहुत नेक्स्ट लेवल का मजा आता है। क्या मक्खन के जैसे भागती है भाई ये। सुमेश्वर 15 मिनट्स लेटर। दूसरी चीज ये कि यार देखो गौरव के पास में मेरे को जाना है। गौरव इज लाइक वसीम एंड मी इज लाइक निखिल शर्मा। दिमाग पे जोर मत डालो, जो समझने वाले थे समझ गए। अपनी धन्नो तो बिल्कुल सूखी पड़ी है, मेरे को जाना था गौरव के घर पे, तो गौरव को मैंने कॉल कर दिया है, वो अपनी खुद की बाइक लेके आ रहा है लाइफ में पहली बार। 10-15 मिनट के अंदर वो आने वाला है, सो आपको सीधे उसी से मिलवाते हैं। A few inches later. भाई लोग गौरव आ चुका है, एंड मैंने केप जो है ना इसलिए पहनी है क्योंकि यार देखो मेरे इतने तेज से तो बाल है, अब वो भी अगर धूप से डैमेज हो गए, अपने को ऐसा कुछ झंझट ही नहीं चाहिए भाई। एंड यार देखो प्लेन में ना थोड़ा सा चेंज है, अब वो चेंज क्या है ना वो आपको रास्ते में बता दूंगा मैं, आ जाओ। 2000 years later. यार देखो मैं आया था यहाँ होटल पे, एंड इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को चाहिए थे कुरकुरे, मेरे पास हो गया था नेट खत्म। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ मेरे को नहीं पता, लगता ये पागल हो गया। So, भाई लोग आफ्टर वॉचिंग 2 hours की मूवी, 2 घंटे की मूवी देखने के बाद में क्या मस्त यार मजा आया ना आज गौरव के पास में। एंड गौरव अपना यहीं पे खड़ा है देख लो। तो अब अपन चलते हैं अपने घर पे, बाकी की बात है अपन वहीं पे करते हैं, आ जाओ। 5 minutes later. भाई गौरव के घर से आते ही ना आई वॉज टोटली आउट, मैं आते ही पसर गया भाई बेड पे। मैंने ना एक बहुत ही प्यारा सपना देखा कि अपने चैनल पे जो है ना यार 1K 2K 10K बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, काश ये सपना सच हो जाए यार। देखो वो सपना आपका हो चाहे मेरा हो, उसके लिए ना वर्क करना पड़ता है, एंड वो अपन जरूर करेंगे। देखो यार ये वाले ड्रीम के अलावा मेरा एक और ड्रीम है, वो आपको बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा, आ जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों अब है ना मैं स्टोर रूम टाइप का सा एक रूम उसके अंदर आ गया हूँ, एंड ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो ना इसी के अंदर अपना जो है ना ड्रीम सपना है, उतार के दिखाता हूँ आपको। And
देख रहे हो ये यार अपना ड्रीम। इसी बात ये है ना, एक डॉग बेल्ट है। अब इसको दिखाने का जो मेरा इंटेंशन है ना, देखो भाई मेरा ना बचपन से एक सपना था कि मैं अपना खुद का एक डॉग बाई करूँ। एंड क्योंकि मेरे घर पे डॉग को अलाउ नहीं करते हैं, तो मैंने एक कंडीशन रखी है कि जब अपने 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब अपन अपना एक खुद का डॉग बाई करेंगे। आप लोग भी अगर चाहते हो ना कि अपने पास में चीकू के जैसे एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा डॉग आए, तो इस वीडियो को ना शेयर करना तो बनता है। अभी वीडियो एंड नहीं कर रहा, पर शेयर कर दो यार। Even when I don't know what be right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and God will never let them tell. को ना मैंने कई महीनों से केज में नहीं रखा, एकदम खुला रहता है वो घर पे। लेकिन अब मेरे को केज में रखने की क्या जरूरत आन पड़ी वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, अभी देखो शाम का टाइम हो चुका है, तो मेरे को ना आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखानी है। उसके लिए अपने को बाहर चलना पड़ेगा, गौरव भी आ रहा है, वहीं पे मिलते हैं आपको। तो भाइयों देखो यार, अभी का सीन ऐसा है ना कि अभी जो है ना मैं उसी जगह पे आ चुका हूँ। ये एक पहाड़ी जैसा कुछ है, आज आपको मैं दिखाऊंगा ये प्यारा सा सनसेट, प्यारा एक इसका टाइम लैप्स है, तो आप पूरा एंजॉय करना। भाई लोग आपने टाइम लैप्स तो एंजॉय कर लिया, लेकिन अब मेरे को ना सर्दी लग रही है। एंड गाइस, ऐसे मौसम में अगर चाय मिल जाए ना गरम गरम, तो क्या ही कहना यार। भाई देखो, अगर चाय गौरव के पैसों की हो ना, तो मजा ही कुछ और है। Meanwhile, कि आप लोग को ये वीडियो आई होगी, आप लोग को थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसको लाइक करना तो यार कंपलसरी है। यार अपने चैनल पे जो है ना कम्युनिटी टैब का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो गाइस एज ऑलवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, बाय। सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। मैंने दो या जाना मुझे घर।